छात्रों, हमने पिछली कक्षा में उत्तरोत्तर अवकलन के बारे में अध्ययन किया है। आज हम उस उत्तरोत्तर अवकलन से संबंधित प्रश्नावली 5.9 के प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 6, यदि y इक्वल 10 इनवर्स x हो तो सिद्ध कीजिए y इक्वल 10 इनवर्स x हो तो सिद्ध कीजिए 1 प्लस x स्क्वायर d2 अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2x dy अपॉन dx इक्वल 0। ये हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट प्रश्न है y बराबर 10 स्क्वायर x, ये गिवन है, दिया हुआ है, हमको प्रूव करना है 1 प्लस x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2x इंटू dy बटा dx इक्वल 0। हल दिया है, फलन दिया है y इक्वल 10 इनवर्स x, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल d अपॉन dx 10 इनवर्स x। 10 इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? 10 इनवर्स x, वेरी नाइस, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये 10 इनवर्स x का है, तो ये dy अपॉन dx हो गया 1 अपॉन x स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब हम इसका त्रियक गुना करें तो हमें प्राप्त होगा 1 प्लस x स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल 0 इक्वल 1 सॉरी इक्वल 1 ये हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 1 प्लस x स्क्वायर dy dx इक्वल 1। यहाँ पर देखिए ये दो फलन हैं, पहला फलन और ये दूसरा फलन। हमने बताया है उत्तरोत्तर अवकलन में कि अवकलन करने पर जो अवकल गुणांक है वो भी x का फलन होता है, तो ये अपने आप में फलन है, इसका x के सापेक्ष हम अवकलन कर सकते हैं। ये पहला फलन हो गया, दिस इज सेकंड फलन, तो दो फलनों का गुणनफल वाला यहाँ पे लागू होगा। पुनः x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर पहला फलन दूसरा फलन, तो ये हो जाएगा d अपॉन dx 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx इक्वल d अपॉन dx इंटू 1। ये पहला फलन है और ये सेकंड फलन। सूत्र क्या है? दो फलनों का गुणनफल क्या होता है? पहला फलन
दूसरे फलन का अवकलन धन दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन. तो विच इम्प्लाइज दैट पहला फलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, द्वितीय फलन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस द्वितीय फलन अवकलन इंटू अवकलन फर्स्ट फलन और इक्वल. इक्वल क्या हो जाएगा, वन का अवकलन क्या हो जाएगा, कितना होगा, जीरो. राइट, क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वन इज ए कांस्टेंट, है ना. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो. विच इंप्लाइज दैट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स का सापेक्ष अवकलन कितना होगा, टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स वन का अवकलन क्या होगा, जीरो. एक्स स्क्वायर का अवकलन टू एक्स, जीरो प्लस टू एक्स इक्वल जीरो. विच इंप्लाइज दैट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, टू एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल जीरो. यही प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था. वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल जीरो. हैंस प्रूफ, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था. अब हम इसी प्रश्नावली के और एक सवाल देखेंगे. यदि y इक्वल साइन क्वेश्चन नंबर 8 5.9 है क्वेश्चन नंबर 8. यदि y इफ y इक्वल x साइन x दिया है तो प्रूव करना है, सिद्ध करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स. डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, ये प्रूव करना है. दिया है y इक्वल साइन x, x इंटू साइन x. हल दिया है y इक्वल x इंटू साइन x. ये भी दो फलन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर भी हमें दो फलन दिखाई दे रहे हैं. पहला फलन क्या है, सेकंड फलन साइन एक्स. दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन
करने पर कर दीजिए, विच इंप्लाइज दैट dy अपॉन dx इक्वल d अपॉन dx x इंटू साइन x फर्स्ट फंक्शन और दिस इज सेकेंड फंक्शन ना। यहाँ पर भी वही लागू होगा, दो फलनों का गुणनफल, पहला फलन द्वितीय फलन का अवकल गुणांक धन द्वितीय फलन पहले फलन का अवकल गुणांक, है ना। तो ये हो जाएगा x इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स इंटू एक्स एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स एक्स का अवकलन क्या होगा एक्स के सापेक्ष वन इंटू वन। तो ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हो गया आपका डी वाई डी एक्स। हमको द्वितीय कोटि का ज्ञात करना है तो एक बार और अवकलन करना पड़ेगा इसको, है ना। पुनः x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर दोनों पक्षों का अवकलन करने पर क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी बाय डी एक्स एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स। इसको अलग अलग करें तो ये हो जाएगा डी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये हो जाएगा d बटा ये पहले सेपरेट होगा d d अपॉन डी एक्स एक्स कॉस एक्स प्लस d बाय डी एक्स साइन एक्स, दो फलनों के योग का अवकल गुणांक। दोनों के लिए पहले अलग अलग हो गया, अब अलग अलग होने के बाद यहाँ पर इस अवकलन में देखिए पहला फलन ये दूसरा फलन यहाँ पर गुना है, है ना। तो इसको हम दो भागों में विभक्त करेंगे, ये हो जाएगा डी वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल पहला फलन अवकलन दूसरा फलन का अवकलन धन सॉरी कॉस एक्स धन दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन प्लस डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। देखिए x cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स प्लस cos x x का x अक्ष सापेक्ष अवकलन 1 इंटू 1 प्लस साइन x का अवकलन cos x।
ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स, ये होगा कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स एक्स जुड़ के कितने हो जाएंगे, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कितना हो जाएंगे, टू कॉस एक्स। इसको व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे तो कितना होगा, टू कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स डी वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, यही सिद्ध करना था, प्रूफ दैट, प्रूफ दैट। इस तरह से उत्तरोत्तर अवकलन के प्रश्न हुए। अब हम इनवा अवकलज ज्ञात करेंगे। इसमें उत्तरोत्तर अवकलन में ध्यान ये देना है, प्रूफ दैट में कितने कोटि का अवकल गुणांक है उसको ज्ञात करना है। दो है तो दो बार अवकलन करना है, तीन है तो तीन, फोर है तो फोर टाइम, है ना, इतनी बार आप उसको अवकलन करना है, इस चीज का ध्यान देना है आपको। अब आता है एनवा अवकलज। एनवा अवकलज से ही पता चल रहा है, एनवा अवकलज मतलब किसी फलन को एन टाइम अवकलन करना, है ना, ये क्या कहलाएगा, एनवा अवकलज। हम ज्ञात करेंगे साइन एक्स का एनवा अवकलज कितना होता है। पहला, साइन एक्स का एनवा अवकलन ज्ञात करेंगे, है ना। इसके लिए हम मान लेते हैं, माना कि y इक्वल साइन एक्स, ऐसा हमने फलन मान लिया, है ना। n हमको साइन एक्स का nth को बार क्या करना है, अवकलन करना है, तो y इक्वल हमने मान लिया साइन एक्स, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर ये हो जाएगा, विच इंप्लाइज दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी बाय डी एक्स साइन एक्स। डी वाई डी एक्स को हम वाई वन लिख सकते हैं, सुविधा के लिए क्या लिख सकते हैं, वाई वन लिख सकते हैं, भाई पहली बार अवकलन हुआ तो वाई वन, है ना, वाई वन लिख सकते हैं, डी एन लिख सकते हैं, वाई डब्ल्यू, है ना, और क्या लिख सकते हैं, एफ डेस एक्स लिख सकते हैं, कई तरीके से लिखा जाता है, तीन चार पर हम इसको सुविधा के लिए वाई वन लिखते हैं। डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन कितना हुआ, कॉस एक्स, क्या हो गया, कॉस एक्स। अब कॉस एक्स को हमको पुनः साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बदलना है, है ना। तो आपने एक सूत्र पढ़ा है, साइन कॉस थीटा इक्वल कॉस थीटा इक्वल साइन पाई बाई टू प्लस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा। तो इसके रूप में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो वाई वन इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, ये प्राप्त हो गया y1, क्या मिला हमने को,
वाई वन अब हम पुनः ये जो y1 प्राप्त हुआ क्योंकि हमको एंड टाइम क्या करना है इसको अवकलन करना है तो इसको आगे बढ़ाते रहेंगे फिर अवकलन करेंगे फिर अवकलन करेंगे इस तरह से n बार करेंगे तो y पुनः अवकलन करने पर यहाँ पे लिख सकते हैं पुनः अवकलन करने पर पुनः अवकलन करने पर पुनः अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा y2 मतलब दो बार अवकलन कितना हो गया y2 लिखने का मतलब क्या हुआ इसका मतलब है ये dy अपॉन dx स्क्वायर हम ऐसा नहीं लिख के इसके शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं y2 y2 इक्वल हो जाएगा d अपॉन dx sin sin ब्रैकेट में पाई बाई टू प्लस x साइन एक्स का अवकलन क्या होगा क्या हो जाएगा कॉस एक्स कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स अब इसका अवकलन होगा डी बाई डी एक्स पाई बाई टू प्लस एक्स कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स अब देखिए यहाँ पर योग के नियम लागू होंगे पाई बाई टू कांस्टेंट है कांस्टेंट का अवकलन कितना हो गया कांस्टेंट का अवकलन कितना हो गया जीरो एक्स का अवकलन कितना हो गया एक्स के सापेक्ष वन तो आपको क्या मिला ये वन ही मिला वन मिला ना जीरो प्लस वन इंटू वन वन को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा यही मिलेगा तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई टू प्लस x किसके बराबर मिला y2 के बराबर मिला इसका परिणाम क्या मिला 1 मिला ना 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा इतना ही मिलेगा cos pi by 2 plus x अब इस cos को हमको पुनः sin के फॉर्म में चेंज करना है फिर यही फार्मूला यूज होगा तब ये sin में कन्वर्ट होगा तो y2 इक्वल ये क्या हो जाएगा sin पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू प्लस एक्स यहां पर ये थीटा हो गया सूत्र में ये वाला पूरा थीटा हो गया तो ये पाई बाई टू प्लस थीटा सूत्र के रूप में है ना और अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो y2 इक्वल क्या हो जाएगा साइन पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू प्लस x ठीक है अब हम इसको हल करेंगे साइन कितने बार आए हैं दो बार आए हैं है ना तो ये हो जाएगा साइन टू पाई बाई टू प्लस एक्स वाई टू इक्वल पुनः हम इसका अवकलन करेंगे पुनः इसका अवकलन करें पुनः अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा y3 और ये हो जाएगा साइन हल करेंगे आगे तो साइन 3 पाई बाई 2 प्लस x इस तरह से ये बढ़ते जाएगा इस तरह से हम इसको n टाइम हम यदि अवकलन करें इसको तो हो मिलेगा हमको वाई एन इक्वल साइन या इसको बोलेंगे डी एन वाई भी बोल सकते हैं अपन वाई एन इक्वल साइन एन पाई बाई टू प्लस एक्स यही इसका एनवा अवकलज होगा
हमने दो बार किया था, यहाँ दो आया। पहले बार किया था तो साइन पाई बाई टू प्लस एक्स आया था। तीन बार करेंगे तो थ्री आ जाएगा, फोर टाइम करेंगे तो फोर आ जाएगा, फाइव करेंगे तो फाइव आएगा, फाइव आ जाएगा। तो इस तरह से बढ़ाते जाएगा एन, एन आ जाएगा, एन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन पाई बाई टू प्लस एक्स। ये साइन एक्स का अवकलज है। देखिए एक और प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इससे संबंधित प्रश्नावली, प्रश्नावली 5.10। प्रश्नावली 5.10 क्वेश्चन नंबर थ्री है। एक्स टू द पावर वन का हमको निकालना है एनवा अवकलज का, एनवा अवकलज ज्ञात कीजिए का, एनवा अवकलज 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 हल। माना कि y इक्वल x टू द पावर n प्लस वन है ना, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, करने पर अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, y1 पहली बार अवकलन y1 है ना, ये सूत्र इस रूप में आएगा, किस रूप में, d by dx x to the power n बराबर n into x minus 1। यहां पर n की जगह क्या है, n plus 1 है, n की जगह क्या है, n plus 1 है, है ना, n की जगह n प्लस वन है, तो ये हो जाएगा n प्लस वन x n प्लस वन माइनस वन है ना, n प्लस वन ये सूत्र है, सूत्र को हम इस रूप में लिख सकते हैं d बटा डी एक्स एक्स टू द पावर n इंटू n x n माइनस वन है ना, इस रूप में लिख सकते हैं। तो वन और वन के आंसर क्या मिला आपको, एन प्लस वन एक्स टू द पावर एन किसके बराबर मिला, वाई एन। इसी तरह से वाई टू क्या हो जाएगा, वाई टू हो जाएगा, ये भी सामने आ जाएगा, पावर कम हो गई एक, तो हो जाएगा एन प्लस वन एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। भाई यार ये सामने आ जाएगा, इसमें घात एक कम हो गई, इसका सूत्र तो यही है ना, x टू द पावर n n x n माइनस वन होता है, पावर एक कम होते जाता है ना। फिर y3 निकालेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस वन n n माइनस वन x टू द पावर n माइनस टू, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x n माइनस टू, n माइनस वन में एक माइनस करोगे तो n माइनस टू हो जाएगा है ना। ये इस तरह से ये बढ़ता हुआ y थ्री का ऐसा मान हो गया, ये डैश डैश आगे बढ़ाएंगे n टाइम्स, तो ये हो जाएगा वाई एन, आपको प्राप्त होगा n प्लस वन n प्लस वन n n माइनस वन डैश डैश ब्रैकेट में n माइनस n माइनस n माइनस टू इंटू x n माइनस वन ऐसा प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे तो इसको और सॉल्व करेंगे हम तो मिलेगा yn
इक्वल एन प्लस वन एन एन माइनस वन, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डैश 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 ये कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा टू। इसको ओपन करेंगे तो माइनस से प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, टू हो जाएगा, इनटू इसके एक्स एक्स का पावर, ये प्लस में होगा ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो एक्स की पावर वन प्राप्त होगी। इसको हम लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी एन प्लस वन फैक्टोरियल, एन प्लस वन फैक्टोरियल इंटू एक्स। हम इसको व्यवस्थित तरीका से और अच्छा से लिखेंगे तो वाई एन बराबर प्राप्त होगा एक्स एन प्लस वन फैक्टोरियल। यही इसका एंथ अवकलज है, एंथ डेरिवेटिव। अब हम अस्पष्ट फलनों के अवकलज को देखेंगे। अभी तक हमने जो फलन पढ़ा है वो स्पष्ट था, स्पष्ट मतलब चर x और चर y में जो संबंध था वो स्पष्ट था, है ना। अब कुछ ऐसे संबंध प्राप्त होंगे जो चर और y के फलन को स्पष्ट नहीं है, तो इसको अस्पष्ट फलन कहते हैं। इसके लिए इसका भी अवकलन होता है लेकिन उसका थोड़ा विधि अलग है। यदि ऐसा संबंध दिया गया हो जिसमें y को x के पदों में स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता हो तो y को x का अस्पष्ट फलन कहते हैं। जैसे ax स्क्वायर धन बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई, एक ऐसा संबंध है, ऐसा फलन है जिसको y के पदों में हम व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है। हम जैसे कोई संबंध को y बराबर टू एक्स प्लस थ्री ऐसा स्पष्ट रूप से व्यक्त करते थे, है ना। अब इसमें देखो y स्क्वायर है, x स्क्वायर है, x y के दोनों पद हैं, हम इसको स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करते, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका भी अवकलन होता है। पहले हम अवकलन करेंगे, फिर dy बटा dx अवकलज वाले पद को अलग करेंगे, फिर बिना अवकलज वाले पद को बराबर के उस पार ले जाएंगे और इस तरह से हल करते हैं। देखते हैं प्रश्नावली, इससे प्रश्नावली 5.11। प्रश्न है 14th प्रश्न, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब माइनस वन। इस टाइप का फलन है ये, x और y में स्पष्ट नहीं है क्योंकि यहाँ x क्यूब पद है, यहाँ x स्क्वायर को y के पद है, यहाँ x है y स्क्वायर पद है, माइनस x क्यूब है और माइनस जीरो है। तो इसका हम अवकलन करेंगे, हल दिया है, दिया है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब माइनस वन। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन अवकलन करने पर कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज दैट डी बटा डी एक्स एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यू माइनस वन, ब्रैकेट बंद। अब ये सेपरेटली अलग अलग हो जाएगा सबके लिए,
तो डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यू माइनस डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी एक्स वाई क्यू माइनस डी अपॉन डी एक्स वन। ये देखिए अलग अलग हो जाएगा, इसके लिए, ये इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए और ये इसके लिए। एक्स क्यूब के क्या होगा, एक्स क्यूब के क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर। ये दो फलन है, पहला फलन और दूसरा फलन, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में पहला फलन दूसरा फलन डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन, पहले फलन का अवकलन कितना हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद, फिर ये क्या हो जाएगा, ये पहला फलन और ये दूसरा फलन प्लस क्या हो जाएगा, पहला फलन और ये दूसरा फलन है तो पहला फलन बाहर डी बाय डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी बाय डी एक्स एक्स ब्रैकेट बंद माइनस डी बाय डी एक्स वाई क्यू कितना हो जाएगा, थ्री थ्री वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और वन का अवकलन कितना हो जाएगा जीरो माइनस जीरो। एक बार और देख लें हम, एक्स क्यूब का अवकलन कितना हुआ, थ्री एक्स स्क्वायर। ये दो फलन है, पहला फलन और दूसरा फलन, पहला फलन बाहर दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन इसी में दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन प्लस क्या हो जाएगा, पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन माइनस डी बटे डी एक्स वाई क्यू, तो हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस जीरो। थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर क्या हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का अवकलन टू एक्स, क्या हो जाएगा टू एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई, क्योंकि ये माइनस बाहर है ना, माइनस इसके लिए लगा तो इसके लिए भी हुआ ना, ब्रैकेट के अंदर है, टू एक्स वाई माइनस प्लस एक्स, इसका कितना हो जाएगा टू वाई और क्या होगा वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या हो जाएगा 2y into dy upon dx, यहां पर क्या होगा प्लस y स्क्वायर x का x के सापेक्ष 1 माइनस 3y स्क्वायर dy upon dx माइनस 0। अब हम देखिए जो x बिना dy वाले dx पद हैं, ये dyx वाले पद हैं, dy वाले x पद हैं, dyx बिना dyx वाले पद को एक ब्रैकेट में और dy वाले पद को एक ब्रैकेट में रहने पर इक्वल क्या है, ये इक्वल इक्वेशन में जीरो हुआ, इक्वल वन था, सॉरी
ये बराबर नहीं था, इक्वल जीरो था, तो जहाँ पर ये माइनस था ये जीरो हो जाएगा, बराबर के उस पर ये जीरो होगा। आप इसको सुधार लीजिए, जहाँ पर इक्वेशन में माइनस वन लिखा था ये लिखने में त्रुटि हो गई थी, ये इक्वल जीरो है तो आप इसको जीरो वन करेंगे तो लास्ट में क्या हो जाएगा, बराबर के उस पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इक्वल जीरो, इक्वल जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। इसके पहले जो इक्वेशन आए थे उसमें भी आप ऐसा जीरो कर लेंगे, ये जीरो हो गया, इक्वेशन जीरो हो गया, है ना। अब हम बिना dy वाले पद को 3x स्क्वायर माइनस 2xy इंटू क्या हो जाएगा y स्क्वायर, एक ब्रैकेट में मिल गया, प्लस माइनस x स्क्वायर dy वाले x स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 2xy माइनस 3y स्क्वायर इंटू dy बटा dx इक्वल जीरो, इक्वल जीरो। यहां से माइनस कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल जीरो। अब इसको बराबर के उस पर ले जाने पर क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज दैट dy, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, ऐसा प्राप्त हो जाएगा। इसलिए dy बटा dx बराबर क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरा उसके नीचे चले जाएंगे, तो इसलिए dy अपॉन dx इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। यही इसका हल है, यही इसका हल है ना। तो आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, यहाँ पे माइनस वन लिखा गया तो इक्वल है ना, इक्वल कर लीजिए, फिर इक्वल बराबर के उस पर दोनों पक्षों का अवकलन करने पर बराबर जीरो आएगा। फिर हमने इसको पक्षांतर, इसको अलग अलग सेपरेट कर लिया और इसके नीचे लाने पर dy बटा dx की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब एक और सवाल है, उसको देखते हैं, छोटा सवाल है, ये अस्पष्ट है, ये कैसा है, समीकरण कैसा था, अस्पष्ट फलन था, उसका हमने अभी हल ज्ञात किया। इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं अभी। एक्स वाई प्लस सी, सॉरी नाइन्थ क्वेश्चन है, एक्स वाई इक्वल सी, इसका इसको हल करना है। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर,
करने पर कर दीजिए, विच इंप्लाइज दैट डी बटर डी एक्स एक्स वाई इक्वल डी बटर डी एक्स सिन। यहाँ दो फलन है, पहला फलन दूसरा फलन, पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन धन दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन बराबर जीरो। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है? जीरो। तो ये हो जाएगा x डी वाई बटर डी एक्स प्लस वाई, इसका क्या होगा? वन, वन इंटू जीरो एक्स का x के सापेक्ष। तो मिला आपको विच इंप्लाइज दैट x डी वाई डी एक्स प्लस वन इक्वल जीरो। वाई को पक्षांतर करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा? डी वाई बटा डी एक्स इक्वल माइनस वाई अपॉन एक्स। ये इसका हल है, ये इसका हल है, ये इसका उत्तर। तो इस तरह से आज हमने अवकलज, nth अवकलज और अस्पष्ट फलनों के अवकलज को देखा और उसके प्रश्नावली हल करेंगे। धन्यवाद।